हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए स्वेटर का ब्यूटीफुल पैटर्न लेके आई हूं ये लेडीज किड्स जेंट्स की स्वेटर में डाला जाने वाला पैटर्न है यह एट रो पैटर्न है यह बुनना बहुत ही इजी है अब मैं इसको बुन के बताती हूं कि इसको कैसे डालना है ये मैंने पैटर्न का एक छोटा सा बेस बना रखा है तो इसमें मैंने इलेवन फंदे लगाए हुए हैं आप अपने हिसाब से अच्छा सा बॉर्डर बनाना बॉर्डर के ऊपर एक सिलाई में पहले फंदे बढ़ा लेना अगर बढ़ाना चाहते हैं तभी बढ़ाना फिर उसके बाद पैटर्न स्टार्ट करना और ये पैटर्न जो है ये फ्रंट साइड से स्टार्ट करना ये बैक साइड है ये फ्रंट साइड है पहला फंदा इसको स्किप कर लिया आगे धागा अपनी साइड को ले आके आगे वाला फंदा इसको उल्टा बुनना है आगे वाला फंदा इसको बिना बुने ही ऐसे उतार लेना है और धागा इसके ऊपर से ऐसे घुमा के फिर से अपनी साइड को ले आना है आगे का फंदा उल्टा बुनना है आगे का फंदा बिना बुने ही उतार लेना है और इसके ऊपर से धागा ऐसे घुमा के फिर अपनी तरफ को ले आना है ये फ्रंट साइड है तो फ्रंट साइड में सभी फंदे उल्टे ही बुनने हैं ये उल्टा फंदा बुन लिया और आगे का जो फंदा इसको भी ऐसे उल्टा ही उठाना है और इसके ऊपर से ऐसे धागा घुमा के फिर से अपनी साइड को ले आना है आगे का फंदा उल्टा बुनना है आगे का फंदा ऐसे धागा घुमा के अपनी साइड को ले आना है तो ये फर्स्ट रो है इसमें एक फंदा बुनना है और एक फंदे के ऊपर से ऐसे धागा घुमा के ले आना है और फंदे को नहीं बुनना है ये फर्स्ट रो फ्रंट साइड से कंप्लीट हो गई है सेकंड रो बैक साइड तो पहला फंदा इसको स्किप कर लिया बैक साइड में आगे का फंदा इसको उल्टा बुनना है जिस फंदे को हमने बिना बुने ही छोड़ दिया था और उसके ऊपर से ऐसे धागा घुमाया था जाली वाला फंदा बनाया था इस जाली वाले फंदे को बिना बुने ही ऐसे उतार लेना है और जो फंदे हैं इनको बैक साइड को उल्टा बुन लेना है आगे दो फंदे हैं इनको बुन लिया आगे भी एक जाली वाला फंदा इसको ऐसे बिना बुने ही उतार लिया आगे ये दो फंदे हैं इनको बुन लेना ये बैक साइड को उल्टे हैं तो उल्टा ही बुनना है इनको ऐसे फिर आगे भी जाली वाला फंदा है इसको बिना बुने ही उतार लिया आगे दो फंदे उल्टे हैं इनको उल्टा बुनना है तो बैक साइड में जो जाली वाला फंदा है इसको बिना बुने ही उतार लेना है और बाकी के फंदे उनको उल्टा बुन लेना है ये सेकंड रो कंप्लीट गई है अब थर्ड रो फ्रंट साइड तीसरी सिलाई चली है पहला फंदा इसको स्किप कर लेना है आगे का फंदा सीधा बुनना है आगे के जो एक जाली वाला फंदा है जिस फंदे के साथ बुना था फर्स्ट रो में थर्ड रो में इन दोनों को बुन लेना है ऐसे ये जाली वाला भी और ये साथ में जो इसके साथ फंदा था इसको बुन लेना है क्योंकि फर्स्ट रो में इसी फंदे के साथ इस जाली वाले फंदे को बनाया था तो थर्ड रो में हमने सभी फंदे सीधे ही बुनने हैं जो सिंगल फंदा है उसको भी सीधा बुनना है और जो डबल है जाली वाले फंदे के साथ इसको भी सीधा ही बुनना है ये फ्रंट साइड है और ये तीसरी सिलाई चली है इसको सीधा ही बुनना है सिंगल फंदा है उसको भी सीधा बुनना है और ये एक जाली वाला बंदा है जिस बंदे के साथ फर्स्ट रो में बनाया था इन दोनों से एक बंदा निकाल लेना है और इनको भी सीधा ही बुनना है ये थर्ड रो कंप्लीट होगी है ये फोर रो बैक साइड पहला फंदा इसको स्किप कर लिया फोर रो सिंपल सिलाई ही लगनी है ये बैक साइड को उल्टी ही लगनी है सारी सिलाई yes. अब ये फिफ्थ रो फिफ्थ रो में पहला फंद इसको स्किप कर लेना है अब धागा अपनी साइड को ले आके आगे वाले फंदे को बिना बुने उतारना है और इसके ऊपर से एक जाली वाला फंदा निकाल लेना है ऐसे क्योंकि फर्स्ट रो में इसको उल्टा बुना था तो अब इसको उल्टा नहीं बुनना है और जिसको फर्स्ट रो में उल्टा नहीं बुना था अब इसको उल्टा बुनना है बस यही ध्यान रहे कि फर्स्ट रो में जिस फंदे को हमने उल्टा बुना था अब इसको उल्टा नहीं बुनना है इसको बिना बुने उतार लेना है इसके ऊपर से एक जाली वाला फंदा निकाल लेना है और फर्स्ट रो में जिस फंदे के ऊपर से जाली वाला फंदा निकाला था और नहीं बुना था अब इसको बुनना है और इसको फ्रंट साइड को उल्टा बुनना है आगे वाला फंदा इसको बिना बुने उतार लेना है और एक जाली वाला फंदा निकाल लेना है आप शुरू में ही दो तीन फंदे सीधी तरह से निकाल लें तो आगे सारा पैटर्न ठीक निकलेगा पूरी सिलाई में आगे भी खा जाली वाला खंदा ऊपर से निकाल लिया आगे वाला फंदा उल्टा बुन लिया ये पैटर्न की फिफ्थ रो भी कंप्लीट हो गई है अब ये सिक्स रो बैक साइड तो इसमें हमने जैसे सेकंड रो में बुना है जाली वाले फंदे को ऐसे बिना बुने ही उतार लिया है वैसे ही उतारना है और जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा ही बुनना है जाली वाले फंदे के बीच में दो फंदे उल्टे आ रहे हैं इनको उल्टा बनना है ये सिक्स रो कंप्लीट हो गई है अब सेवंथ रो फ्रंट साइड है तो फ्रंट साइड में हमने जिस फंदे को जिस फंदे के साथ जाली वाले फंदे को निकाला था अब दोनों से एक फंदा निकाल लेना है ऐसे आगे वाला फंदा इसको भी सीधा बुनना है आगे वाला फंदा ये भी दो फंदे हैं दो फंदे से एक फंदा निकाल लेना है आगे वाला फंदा सिंगल है इसको भी सीधा ही बुनना है आगे वाला डबल है क्योंकि एक जाली वाला फंदा है और एक फंदा है तो इन दो से एक फंदा निकाल लेना है ये तीन तीन सिलाई वाला पैटर्न है तीन सिलाई में पैटर्न पड़ रहा है चौथी सिंपल है ऐसे तीन में लेकिन एक पैटर्न पड़ जाता है तो आगे वाले पैटर्न में चेंज हो जाता है जिसमें नीचे नहीं पैटर्न डाला है अब ऊपर पड़ेगा ही ऐसा ध्यान रखना होता है यहाँ पर ये ऊपर वाले पैटर्न की भी तीसरी सिलाई चली है ऐसे ये सातवीं सिलाई चली है सेवंथ रो चली है सेवन्थ रो भी कंप्लीट हो गई है अब एट रो तो आठवीं सिलाई ये बैक साइड से चली है ये सारी सिलाई उल्टी ही लगनी है जैसे फोर्थ रो लगाई हमने वैसे ही एट रो लगानी है डिज़ाइन पैटर्न अब निकल गया है अगर आपको मेरा बुना हुआ पैटर्न शानदार है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें थैंक यू